नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आईपीसी ना आईएमपी क्वेश्चन नी सीरीज नो आ भाग बे छे। अत्यारे हूँ आपने आईएमपी सेक्शन ज कहूँ छू, कलमों कहूँ छू। त्यारबाद खास याद रखो केस स्टडी ना वीडियो आवशे अने खास सजा ने लगती जे जोगवाई छे जुदी जुदी कलम ने एना पण वीडियो आवशे। तो चलो मैं ज्यांथी बाकी राख्युं हतुं त्यारथी आपने आगळ वधारीए। तो प्रकरण चौद, प्रकरण चौदह नाम छे जाहेर आरोग्य सलामती सगवड़ शिष्टाचार अने नीतिमत्ता ने लगता गुना। तो एक बे त्रण चार बराबर अने पांच आरोग्य। तो आ पांचे पांच बाबत खास याद रखो मित्रों बराबर। एम अपने भाग ये जो है जाहिर स्वास्थ्य ने असर करता गुनाओ, कलम 268 जाहिर त्रासदायक कृत्य। जाहिर त्रासदायक कृत्य कोईपण ने लाभ मिले तम छता माफी पात्र बन से नहीं, अमें स्पष्टपणे लिखू है। 269 जिंदगी जोखम में आए तव रोगों चेप बेदरकारी फैलावो। अत्यार सुधी आईएमपी नो तो छेला बे वर्ष में जो संक्रमण की परिस्थिति थी तेने ध्यान में लई आ कलम आईएमपी। 271 क्वॉरंटीन नियमनी अवज्ञा। क्वॉरंटीन एटले शू ए हमणा छेला बे वर्ष थी लोकोने खबर पड़ती रही गई एला माटे आ सेक्शन आईएमपी। 293 तरुण व्यक्ति ने अश्लील वस्तुओ वेचवी। तो आ पण आईएमपी जे मारी दृष्टि है। नेक्स्ट जो है प्रकरण 15 तो के धर्म संबंधी गुनाओ, एम कोई कलम लेता नहीं। प्रकरण 16 यू नो वेरी वेल के खूब महत्व मानव शरीर ने असर करता अथवा जिंदगी ने असर करता गुना बे प्रकार गुना है। आम ध्यान रखो शरीर ने असर करता अने जिंदगी एट के जीव ने असर करता। तो केस स्टडी पूछी सकते कलम 299 गुनाहित मनुष्यवाद। कलम 300 एट्ले खून। आ बदी बहुत लोकप्रिय है, तब पाकिज कर नाखेली हे बराबर। कलम 301 जुदी व्यक्ति मृत्यु निपजावा निपजाव के जेने गुनाहित मनुष्यवत कही सकाय। तो आप केस स्टडी संदर्भ में आप जोशू आग। कलम 302 खून माटे शिक्षा। कलम 304 बी दहेज मृत्यु। कलम 307 खून करवानी कोशिश। अने कलम 308 मारी दृष्टि आईएमपी आ वक्त गुनाहित मनुष्यवधनी कोशिश करवी बराबर। तो आती प्रकरण 16 की शुरुआतनी कलमों। 319 व्यथा। 320 महाव्यथा। 326 भयंकर हथियार अने वड़े अने स्वेच्छापूर्वक महाव्यथा। समझी विचारी ने मुकेली कलम 326 ए तेजाब थी स्वेच्छापूर्वक महाव्यथा करवी, मतलब तेजाब फेंकीने तेजाब फेंकवो। 326 बी स्वैच्छिक रीते तेजाब फेंकवो अथवा तेजाब फेंकवानो प्रयास करवो। तो तेजाब फेंकवानो प्रयास 326 बी अने तेजा पैकी स्वेच्छापूर्वक महाव्यथा करवी 326 है। दीस इज वेरी इम्पोर्टंट। 339 गैरकायदे अवरोध आनो पण केस स्टडी पूछी सकाय। 340 एनो पण केस स्टडी पूछी सकाय गैरकायदे अटकायत। 343 आईएमपी त्रण के वधु दिवसों माटे गैरकायदे अटकायत करवी। 344 10 के वधु दिवसों सुधी गैरकायदे अटकायत करवी आ पण आईएमपी। 346 गुप्त स्थान में गैरकायदे अटकायत। 350 गुनाहित बल। 351 बहु जाणीती कलम हुमलो। 354 स्त्री नी आबरू लेवा माटे हुमलो के गुनाहित बल वापरवा बाबत। स्त्री नी आबरू लेवा माटे हुमलो करवामां आवे के गुनाहित बल वापरवामां आवे। मित्रों 354 नी जे पेटा कलमो छे बराबर एनी सजा बधी विशिष्ट छे अने अत्यार सुधीमां पूछायेली नथी, स्पेशियल विडियोमां आवशे। 359 अपहरण। 360 भारतमांथी अपहरण। 361 कायदेसरना वालीपणामांथी अपहरण। 364 ए मुक्तिदंड माटे अपहरण। 369 ए दीस इज वेरी इम्पोर्टंट 10 वर्षथी नाना बाळकना शरीर परथी वस्तुओ चोरवा अपनयन, दीस इज वेरी इम्पोर्टंट। 375 एज यू ऑल नो बलात्कार। 377 सृष्टिकम विरुद्धना गुनाओ। तो आ बधी खूब जाणीती कलमों छे के जे अवारनवार विद्यार्थीओ वाँचता होवाने कारणे याद रहती ज होय छे। प्रकरण 17 मिलकत चोरी विषे विरुद्धना गुनाओ। 379 ए स्नेचिंग आचकी लेवू के जूटवी लेवू, वेरी वेरी इम्पोर्टंट माय डियर फ्रेंड्स। 379 बी स्नेचिंगनू आयोजन करवू, स्नेचिंग शक्य बने માટે આયોજન કરવું અને તે દરમિયાન મૃત્યુ નિપજાવવું, ઈજા પહોંચાડવી કે અવરોધ કરવો કે જેના કારણે સ્નેચિંગ શક્ય બને
379A, 379B, very IMP. 390 loot, you know very well, 391 ધાડ, 392 લૂંટ માટે શિક્ષા, અને કેસ સ્ટડી આવી શકે તેવી 403 403 મિલકતનો દુર્વિનિયોગ. આવી કલમ પ્રત્યે લોકો ઓછું ધ્યાન આપતા હોય છે, આમાંથી કેસ સ્ટડી આવી શકશે. આ વખતે કલમ 405 કેસ સ્ટડીવાળી ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત, બરાબર. મેં બધું ડીપમાં સમજાવેલું જ છે પહેલાં, છતાં જો આપ ડિમાન્ડ કરો તો કોઈ એક ખાસ કલમ કે અમુક કલમો હું ડીપમાં સમજાવીશ. અચ્છા, કલમ 415 ઠગાઈ, 425 બગાડ, 444 રાત્રે ગુપ્તગૃહ અપ્રવેશ, 446 રાત્રે ઘરફોડ, 456 રાત્રે ગુપ્તગૃહ અપ્રવેશ અથવા ઘરફોડની શિક્ષા આઈએમપી, 463 ખોટો દસ્તાવેજ બનાવવાનો ગુનો, 479 માલ નિશાનીઓ ટ્રેડમાર્ક. આ એક ખાસ કાયદાની કલમ છે, ઓછી પૂછાવાની શક્યતા છે, પણ જ્યારે પૂછાય તો માર્ક મળી શકે. 489A ખોટી ચલણી નોટ કે બેંક નોટ બનાવવા બાબત. અને છેલ્લી સ્લાઇડ પ્રકરણ 20A, એમાં 498 પતિ કે સગા દ્વારા સ્ત્રીને ત્રાસ આપવા બાબત, ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ ઘરેલું હિંસા. 499 બદનક્ષી કરવી, માત્ર આરોપ મૂકવો નહીં પરંતુ આરોપને પ્રસિદ્ધ પણ કરવો તેને બદનક્ષી કહેવાય. 503 ગુનાહિત ધમકી, 505 સાર્વજનિક બગાડ થાય તેવા કથનો. આ અત્યાર સુધીમાં અપ્રસ્તુત હતી, ઇરેલેવન્ટ હતી મારી દ્રષ્ટિએ. આજ આ વખતે આઈએમપી 505. 509 સ્ત્રીની લાજ લેવાના ઈરાદાથી ઉચ્ચારેલો શબ્દ, કરેલી ચેષ્ટા કે કરેલું કૃત્ય, 509. એન્ડ લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ, આજીવન કેદ થઈ શકે અથવા અન્ય કેદની શિક્ષાને પાત્ર કોઈ પણ ગુનો કરવાની કોશિશ અને તેની શિક્ષા. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછી બે સ્પેશિયલ વિડીયો આવશે, જેનો લાભ લેવા પણ વિનંતી. ઓકે, ધન્યવાદ. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો.